ये एक मिसकंसेप्शन है कि आप यहाँ पे LLB करेंगे और फिर यू विल गो टू इंग्लैंड एंड गेट यू सेल्फ एडमिटेड इन LLM और आप उसके बाद एलिजिबल हो जाएंगे. नो, LLM इज नॉट अ रिक्वायरमेंट. LLM आपको एलिजिबल भी नहीं करता. क्या आपको एलिजिबल करता है, जो बार स्टैंडर्ड बोर्ड है इंग्लैंड का, उसमें उनका वो कहते हैं कि बारेट लॉ के लिए या BTC के लिए अगर आप एलिजिबल होंगे, आपके लिए क्वालिफाइंग लॉ डिग्री चाहिए. क्वालिफाइंग लॉ डिग्री क्या है? क्वालिफाइंग लॉ डिग्री वो है जिसमें आपने बार स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो मॉड्यूल्स बताए हों, वो सारे मॉड्यूल्स, कोर मॉड्यूल्स आपने पढ़े हों उस LLB में. अब जो पाकिस्तान में है, तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल यूरोपियन लॉ नहीं पढ़ते पाकिस्तान में. अच्छा, इंग्लैंड में यूरोपियन लॉ एक कोर मॉड्यूल है. इसलिए अगर आपके पाकिस्तान के LLB, सपोज ये एक एग्ज़ाम्पल है, यूरोपियन लॉ का मॉड्यूल नहीं है, तो आपके क्वालिफाइंग लॉ डिग्री नहीं है. अगर आप यहाँ से LLM के लिए चले जाते हैं, तो वो कोर मॉड्यूल आपके LLM से पूरा नहीं होता. उसके लिए आपको एक दूसरा कोर्स करना पड़ेगा जिसको GDL बोलते हैं. तो अगर आपने पाकिस्तान से LLB किया है, तो आप LLM नहीं, अगर आप बार करना चाहते हैं या BTC करना चाहते हैं, आप LLM नहीं करेंगे, आप GDL करेंगे. GDL में आपको वो सारे कोर मॉड्यूल्स 1 academic year या 1 साल में या 8 महीनों में पढ़ाए जाते हैं. जब आप वो क्लियर कर लेंगे, तब आप एलिजिबल हो जाते हैं BTC.